बढ़ी टेंशन, जुनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीके इंसाफ में जम, कप्तान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकट मेरिट पर देने का ऐलान, समी उल हक के अलावा किसी से भी इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद, इमरान खान ने खलाई मखलूक और लाडले का पता चलाने का तरीका भी बता दिया। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है, आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा। मियां साहब को, गरीब मियां साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। इंतजामी बुनियादों पर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने पर इत्तफाक, कमेटी बनाने का फैसला, इक्तदार मिलने पर पीटीआई पहले 100 रोज में अमली इकदामात करेगी, मुआहिदा मंजर आम पर इमरान खान, बलकशेर मजारी, खुसरो बख्तियार और ताहिर बशीर चीमा के दस्तखत। बड़ा सीरियस इल्जाम लगाया गया है किसी आम शख्सियत पर नहीं, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर, और एक दुश्मन मुल्क में पैसे भेजने का इल्जाम। ये हाउस इसको देखे और इनको तलब करे और इनसे पूछे किसने आपको इख्तियार दिया, क्या आपके पास सबूत हैं। मुबैना रिपोर्ट्स पर नैब का नोटिस, चेयरमैन को पार्लियामेंट में तलब और मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए, वजीर आजम का गुस्सा इंतहा पर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर इकदाम किया गया, पीटीआई रहनुमा सद उमर का मौके, कमेटी बनाने की मुखालिफत। हुकूमती मोर्चों से नैब पर गोलाबारी, इदारा सिर्फ पंजाब में ही एक्टिव क्यों, नोटिस से साख मुतासर हुई, शहबाज शरीफ का शदीद रद्द अमल, अब इदारे की अपनी इंक्वायरी की जाए, वजीर दिफा का मुतालबा। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेज, एहतसाब अदालत को ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद एक माह की मोहलत मिल गई, 9 जून तक फैसला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। रमजान में लॉटरी, जुआ और सर्कस वाले टीवी प्रोग्राम्स पर पाबंदी, तमाम चैनल्स 5 वक्त की आजान नशर करें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म, वजारत इत्तला दाखिला और पैमरा को अमल दरामद कराने की हिदायत। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया, 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाए, चीफ जस्टिस की हिदायत। चीफ जस्टिस का मेंटल अस्पताल पिशावर का दौरा, 1 बेड पर 2-2 मरीज क्यों, एमएस से रिपोर्ट तलब, चीफ सेक्रेटरी पर भी परहम, जस्टिस साकिब निसार के हुक्म पर परवेज खटक की सेंट्रल जेल आमद, पिशावर में चौकियां खत्म करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत, बताया जाए कितनी इकसाम के टैक्सेस का इतलाक हो सकता है, कीमतों का फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मुतल्लिका इदारों से तहरीरी वजाहत तलब। वक्त कम मुकाबला सख्त, इलेक्शन की तैयारियां करना है, पंजाब में सरकारी असातजा की छुट्टियां बंद करने का हुक्मनामा आ गया, मरासला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में जलजला, शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड, मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका। दर्जा हरारत बढ़ने लगा, शहरियों का पारा चढ़ने लगा, गर्मी में कराची वालों का दिमाग गर्म, सदर की मोबाइल मार्केट में झगड़ा, सड़क पर दे मार 4.5, स्टूल से भी वार। के इलेक्ट्रिक हुकाम एयर कंडीशन चलाकर सो गए, बिन कासिम पावर प्लांट का यूनिट 7 दिन बाद भी ठीक ना हो सका, कराची में आवाम को मजीद 3 रोज अजाब भुगतने का पैगाम, शहरी मायूस। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जैसी लोड शेडिंग हो रही है, हमारे को तो उम्मीद नहीं है, हल्ले ही रेम करे, बस सारे कारोबार खराब हो गए हमारे, अभी हमने वापस पेशावर जाना होगा, पानी का भी मसला होता है, बिजली का भी मसला होता है, सर फजूले रही थे इधर कराची में जिंदगी गुजारना।
2000 रुपए का टैंकर आ रहा है, गरीब आदमी कैसे पूरा करेगा। आवाम को टैंकर्स के पैसों की फिक्र, नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में पानी सड़कों पर, तलबा और तालिबात का गुजरना भी महाल, शहरी हट पड़े। यहाँ के वाटर बोर्ड जहाँ कायदे आजम मिलेगा वहाँ पर काम करेंगे। हमारे बच्चे इन पानियों को अबूर कर करके तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे वजीर आला और हमारे जो वजीर बल्दियात हैं उनको होश नहीं है। आर्मी चीफ से बेहतरीन खिलाड़ी तलबा की मुलाकात, सिपा सालार तलबा के साथ सचरंग खेल कर लुत्फंदोज, नौजवान नस्ल पाकिस्तान का असल दिफा है। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। दहशत गर्दों के खिलाफ अमरीका का दोहरा मियार, कलदम तंजीम जमातुल अहरार के सरबरा उमर खुरासानी पर पाबंदी लगाने की मुखालफत, अक्वाम मुतहदा ने पाकिस्तानी तजवीज मुस्तरद कर दी। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. आलमी ताकतों के समझाने के बावजूद ट्रंप को अकल ना आई, ईरान जौहरी मुआहदे से अलहदगी, नई इकतसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी फैसला गुमराह कुन करार दे दिया। जी हाँ, कप्तान ने छक्का लगाया है और क्रीज से बाहर निकलकर छक्का लगाया है। जनूबी पंजाब सूबा महाज पीटीआई में जम हो गया। खिलाड़ी बनने वाले एमएनएस और एमपीएस की तादाद 21 है। इक्तदार में आकर 100 दिन के अंदर सूबे के कयाम के लिए अमली इकदामात पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि असगर खान केस खोल लें, खलाई मखलूक और लाडला कौन है सब पता चल जाएगा। उनका ये कहना था कि इलेक्शन वक्त पर चाहते हैं और टिकट मेरिट पर देंगे। इमरान खान की सियासी मैदान में बड़ी कामयाबी, जनूबी पंजाब महाज कप्तान की टीम का हिस्सा बन गया। इमरान खान का खैर मकदम, कहा जनूबी पंजाब को सूबा बनाना सियासी खेल नहीं। कप्तान नवाज शरीफ पर खूब गर्जे बरसे, खलाई मखलूक और लाडला कौन ये राज भी बता दिया। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दे, जो खुल गया आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा। मियां साहब को, गरीब मियां साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, फिर शहबाज शरीफ को कितना पैसा मिला, आपको सारे उनके लोगों का पता चल जाएगा। जावेद हाशमी साहब को डायरेक्टली कितना पैसा मिला, आपको पता चल जाएगा कि ये जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो किधर एक्टिव थी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। इमरान खान ने बरवक्त इलेक्शन की हिमायत कर दी और कहा कि टिकट मेरिट पर देंगे, समीउल हक के सिवा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद का प्लान नहीं। इलेक्शन टाइम पे होंगे, टाइम पे होने चाहिए, हमारी पूरी तैयारी टाइम के लिए। पीटीआई इस वक्त जो इलेक्शन डेट हमने 20 या 25 जुलाई है, हम पूरी तैयारी अब उसके लिए कर रहे हैं। टिकट्स की बात, फाइनल फैसला कौन करेगा वो इमरान खान करेगा, किसको टिकट मिलेगा मेरिट के ऊपर होगा इंशाल्लाह। इससे पहले खुसरो बख्तियार ने जनूबी पंजाब महाज को पीटीआई में जम करने का ऐलान किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नून लीग ने जनूबी पंजाब को तकसीम करने की कोशिश की, अलग सूबे का मुकदमा वहाँ के अवाम लड़ेंगे। और अभी आपको ये अहम खबर दें कि इमरान खान की पीर ऑफ गोलरा शरीफ से भी मुलाकात हुई है और पीर ऑफ गोलरा शरीफ ने तहरीके इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि उनके पैरोकार तहरीके इंसाफ को वोट देंगे। जी हाँ, ये अहम मामलात हैं जो कि इलेक्शन से पहले तय पा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि जनूबी पंजाब सूबा महाज तहरीक इंसाफ में जम हो गया और कुछ ही देर के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पीर ऑफ गोलरा शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में पीर ऑफ गोलड़ा ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि उनके पैरोकार तहरीक इंसाफ को आइंदा इलेक्शन में वोट देंगे। अभी आपको खबर दें कि पीटीआई का सेनेट इलेक्शन में पैसे लेने वाले एमपीज को निकालने का फैसला सामने आया है। नरगिस बीबी, दीना नाज, नगीना खान, नसीम हयात को फारिग किया जाए ऐसा कहा। साथ ही साथ यासीन खलील, कुर्बान अली, अमजद आफीदी और जिया आफीदी शामिल हैं जिन्हें फारिग करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर हुसैन। यासिर, अपडेट कीजिएगा इस फैसले से मुतालिक।
जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन में जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का जिन पर इल्जाम था, और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने इस हवाले से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 पीटीआई के अरकान का नाम भी लिया था, उनमें 10 अरकान को आज पार्टी ने फारग कर दिया है। और जो 10 अरकान है जो कि अभी तहकीकात उनके हवाले से जारी है, उसके लिए दो रुकनी कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सरबराह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे और उनके हमरा असद कैसर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली होंगे, जो कि आइंदा 48 घंटों में इन 10 अरकान के खिलाफ इनके हवाले से भी फैसला सुनाएंगे। वाजे रहे कि जो ये 10 अरकान जिनको फारग किया गया है, इनमें ऑलरेडी जो है जियाउल्लाह अफरीदी, अमजद अफरीदी, ये पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन आज इन्होंने बाकायदा पीटीआई की क्यादत में वजीर आला की सरबराही में जो सुबह इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया कि ये जो 10 अरकान है, ये पीटीआई की जो एमपीएस है, इनको बाकायदा फारग कर दिया जाए, और इनमें जो 10 बच गए हैं इनके हवाले से भी आइंदा 48 घंटों में फैसला कर दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया यासिर हुसैन, आपने अपडेट किया।